बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू यूएसए फार्मेसी कॉलेज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है जी? माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है, ये हम देखते हैं। किस किस ये कैटेगरी में ज्यादा यूज होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इसके क्या हार्म्स हैं, ये डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट में, क्या कह रहे हैं जी। द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्जी, बैक्टीरिया, रिक्टिशिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, यीस्ट एंड वायरसेस। कहते हैं जो साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है उसमें शामिल क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब शामिल है, जिसमें एल्जी आ जाती है, बैक्टीरिया आ जाता है, रिक्टिशिया आ जाता है, प्रोटोजोआ, फंजाई, यीस्ट एंड वायरसेस, ये तमाम के तमाम क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रोबायोलॉजी जो साइंस की ब्रांच है इसमें हम इनका मुताला करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं जी, विदाउट द हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स, हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स के अलावा विच कन्वर्ट कम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, जो कम्प्लेक्स पेचीदा मटेरियल को सिंपल सादा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, मुंतकिल करते हैं, लाइफ वुड बी अनसर्टेन, लाइफ जो होती है वो अनसर्टेन हो जाती है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट इन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज बीन द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इंटरेस्ट इन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट, इसमें इंटरेस्ट लिया जाए कि ये कैसे अफेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे, हैज बीन द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये माइक्रोबायोलॉजी की फाउंडेशन होती है। द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड द स्टोरिंग ऑफ मिल्क आर नेचुरल प्रोसेस लॉन्ग नोन टू मैन। कहते हैं जो फर्मेंटेशन है फ्रूट जूस और स्टोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को स्टोर करना, आर नेचुरल प्रोसेस, ये कुदरती प्रोसेसेस होते हैं, लॉन्ग नोन टू मैन, जिनको लंबे अरसे से इंसान जानता है, येट व्हाई दीज चेंजेस अकर्ड वर अननोन अंटिल पास्चर, क्यों ये पास्चर तक अननोन थे, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th century, 19वीं सदी के आखिर वाले हिस्से में, शोड आस स्केप्टिकल वर्ड दैट यीस्ट एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड शुगर्स टू अल्कोहल। इसने बताया, इसने शो किया स्केप्टिकल वर्ल्ड, इसने बताया कि यीस्ट और बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं शुगर को अल्कोहल एंड एसिड्स में। इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज हैड अ डिसाइसिव रोल इन शेपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। कहते हैं ये डिसाइसिव रोल बहुत अहम रोल प्ले करता है शेपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री की शेपिंग करने में, ठीक है, उसको तरतीब देने में। द ग्रोथ ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन रिसेंट decades has been paralleled by rising standards for product quality and a more rigorous regulation of a manufacturing procedure. Growth of pharmaceutical इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है इन रिसेंट डिकेड्स, कुछ पिछले दुरानिया में अगर देखा जाए, हैज बीन पैरेलल, वो पैरेलल बाय राइजिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है उसके, एंड मोर रिग्रस रेगुलेशन, और उसके रिग्रस रेगुलेशन होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के, टफ होते हैं फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट। Criterion of quality is simple, there should be no living detective microorganism whatsoever. कहते हैं जो स्टेराइल प्रोडक्ट होती है, क्राइटेरियन ऑफ क्वालिटी जो होता है वो सिंपल होता है, देयर शुड बी नो लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाटसोएवर, इसमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिटेक्टिवेशन नहीं होती। द प्रोडक्ट शुड देयर फॉर बी एबल टू पास अ टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी। फिर उसके बाद प्रोडक्ट को बनाने के बाद हम उसको स्टेरिलिटी स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में से गुजारते हैं, वो इस काबिल हो जाती है, बी एबल काबिल हो जाती है पास अ टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी, एंड नॉलेज ऑफ द प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सच टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उसके इंटरप्रिटेशन करना, उसके प्रोसीजर का नॉलेज होना, ये सारे के सारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। It is obvious that medicines contaminated with potentially pathogenic disease causing microorganism, ये obvious बात है, clear बात है कि medicines जो होते हैं वो contaminate हो सकते हैं with potentially pathogenic, pathogenic कौन होते हैं, वो वाले microorganism जो disease cause कर सकते हैं, are a safety hazard, वो safety hazard होते हैं, so medicines administered by vulnerable routes means injections वगैरह, or to vulnerable
एरियाज ऑफ द बॉडी जैसे कि आईज आर मैन्युफैक्चर्ड एज स्टीराइल प्रोडक्ट्स। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम ड्रॉप्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आई ड्रॉप्स वगैरह। ये सारे के सारे स्टीराइल प्रोडक्ट्स होते हैं। डिसइन्फेक्शन, डिसइन्फेक्शन क्या होता है? एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स बायोसाइड्स यूज एज एंटीसेप्टिक्स डिसइन्फेक्टेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स आर सब्जेक्ट्स ऑफ विच फार्मासिस्ट एंड अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन शुड हैव अ नॉलेज बोथ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बायोसाइड यूज इन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चर एंड बिकॉज एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइनफेक्टेंट्स आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन देयर ओन राइट। अभी डिसइनफेक्शन क्या होता है कि किसी जगह को, किसी नॉन लिविंग थिंग को क्या करना, डिसइनफेक्टेंट करना, जरासीम से पाक करना। और एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं जो हम कीड़े मकोड़ों की किलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक्स और डिसइनफेक्टेंट्स नॉन लिविंग थिंग्स को साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू अ टेस्ट फॉर पायरोजेंस। दीज आर सब्सटेंसेस दैट काज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। इंजेक्शन क्या होते हैं? सब्जेक्टेड टू अ टेस्ट फॉर पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या होते हैं? दैट आर सब्सटेंसेस, वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जब इनको बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो ये बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं? राइज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। स्टीराइल मेडिसन मे बी मैन्युफैक्चर्ड बाय टू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। जो स्टीराइल मेडिसन होते हैं उनको दो डिफरेंट तरीकों से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रेफर्ड ओपिनियन इज टू मेक द प्रोडक्ट पैक इट इन इट्स फाइनल कंटेनर एंड स्टीराइज इट बाय हीट रेडिएशन और अदर मीन्स। पहला क्या तरीका होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रेफर्ड ओपिनियन होता है, ये सीधा सा तरीका होता है, सिंपल सा तरीका होता है और ज्यादा तरजीह देने वाला ये तरीका होता है जिसको ज्यादा तरजीह दी जाती है। और इसमें क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट बना के उसको उसके फाइनल पैकिंग में पैक कर देते हैं कंटेनर में, फिर उसको बाद उसको स्टेलाइज करते हैं। स्टेलाइज के डिफरेंट तरीके होते हैं, हीट स्टेलाइजेशन, ड्राई हीट होती है, मॉइस्ट हीट होती है, रेडिएशन होती है, केमिकल्स होते हैं, इन सब से हम क्या करते हैं इनको प्रिपरेशन को स्टेलाइज करते हैं। तो कहते हैं इनको भी हम क्या करते हैं, स्टेलाइज करते हैं इनके फाइनल पैकिंग के बाद। सेकेंड वन इज द अल्टरनेटिव इज टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट फ्रॉम स्टीराइल इंग्रेडिएंट्स अंडर कंडीशन दैट डू नॉट परमिट द एंट्री ऑफ कंटेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, द अल्टरनेटिव जो उसके ऑपोजिट होगा, जो उसकी जगह यूज किया जा सकता है, उसके अल्टरनेटिव जो होता है इज टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रॉम स्टीराइल इंग्रेडिएंट्स, स्टीराइल अजजा जो होते हैं उनसे, अंडर कंडीशन इसके कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, दैट डू नॉट परमिट द एंट्री ऑफ कंटेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कंटेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिजीज काजिंग एजेंट्स को क्या करती है, बॉडी में एंटर होने की परमिट नहीं देती, इजाजत नहीं देती। स्पॉइलेज ऑफ मेडिसन आर एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। जो मेडिसन होती है वो भी स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है, इसके नतीजे में माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एडिशन के नतीजे में। ऑल्दो ऑब्वियसली अनडिजायरेबल हैज, और जो ऑब्वियसली क्या होता है कि जो अनडिजायरेबल होती हैं, जो चीजें ठीक नहीं होती हैं उनकी कंटेमिनेशन से, हैज एज इट्स मेन कंसिक्वेंस फाइनेंशियल लॉस रादर देन इल हेल्थ ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट। कहते हैं कि ये ना सिर्फ माली तौर पे नुकसान देती है बल्कि जिस पेशेंट में ये इंजेक्ट कर दी जाती है उनके लिए भी, उसके सेहत के लिए भी ये बाइस से नुकसान होती है, ठीक है, उसको भी नुकसान पहुंचाती है। हमने स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस किया। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हमने क्या डिस्कस किया, सिंपली अगर इसकी हम समरी बनाएं, एक तो समरी में हम क्या कहते हैं कि ये सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। उसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, यीस्ट आ जाते हैं, रिक्टिसिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, यीस्ट वगैरह आ जाते हैं। फिर उसके हम देखते हैं कि वो लाइफ में कौन से रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर कैसे, कौन से साइंटिस्ट ने, पास्टर के टाइम तक कुछ भी इनका पता नहीं था, पास्टर ने बताया कि ये कैसे लाइफ को अनसर्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं, उसके बाद कैसे फर्मेंटेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं, कैसे सोरिंग ऑफ मिल्क में ये इन्वॉल्व होते हैं, कैसे मेडिसिन वगैरह में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कैसे ये डिस इन्फेक्शन में नॉन लिविंग थिंग्स को साफ करने के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए जो हम डिस इन्फेक्टेंट्स या एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल करते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इंजेक्शन की फॉर्म में इनको इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि कैसे इनको स्टेरिलाइज हम कर सकते हैं या कंटेमिनेशन से पाक कर सकते हैं। उसमें क्या हमें बताते हैं कि इसको हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसकी फाइनल जो कंटेनर पैकिंग होती है उस कंटेनर में पैक करते हैं, फिर उसको स्टेरिलाइज करते हैं,
स्टरलाइज का जो सा तरीका इसके लिए सूट होते हैं उसको हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि ड्राई स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, बाय केमिकल रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका अल्टरनेटिव हम देख लेते हैं कि हम उस प्रिपरेशन को प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्योंकि प्रिपरेशन में कोई कंटेमिनेशन तो नहीं एंटर होगी, वो कंटेमिनेशन को हम क्या करते हैं बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं। और अगर बाई चांस मेडिसिन की फॉर्म में कंटेमिनेटेड मेडिसिन अगर हम ले लेते हैं तो वो ना सिर्फ हमें माली तौर पर नुकसान देती है बल्कि वो क्या करती है पेशेंट की हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है जी।